हेलो बच्चों, तू क्यों अपनी जिद पे अड़ा है? तू क्यों अपनी जिद पे अड़ा है? आज मैं तुझे तोल के ही रहूंगा कि तू छोटा है या बड़ा है। तू क्यों अपनी जिद पे अड़ा है? आज मैं तुझे तोल के ही रहूंगा कि तू छोटा है या बड़ा है। तो यार, ये जो तोलने का काम है ना, तोलने का काम मैथमेटिक्स में किया जाता है, इनइक्वालिटीज चैप्टर में। आपने महसूस किया होगा कि रियल नंबर्स में हम तोलने का काम कर सकते हैं। एक नंबर दूसरे से छोटा होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा, ये जो तोलने का काम हम करते हैं रियल नंबर्स में, या फिर एक्सप्रेशंस जिनमें रियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रखे हों, उन एक्सप्रेशंस में जब हम तोलने का काम करते हैं तो हम बेसिकली इनइक्वालिटीज की चर्चा कर रहे होते हैं। तो इनइक्वालिटीज चैप्टर में हमें नंबर्स या फिर एक्सप्रेशंस को तोलने का काम करना है। तो यार, एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है, इनइक्वालिटीज। मैथमेटिक्स का बेसिक चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। इसके फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूटिलाइज होने वाले हैं। तो इसलिए अपना दिल थाम लीजिए, आंखें एकदम गड़ा लीजिए स्क्रीन के ऊपर, कानों को चौकन्ना कर लीजिए। हमें इनइक्वालिटीज का हर एक बेसिक बहुत ही बारीकी से सीखना है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज इनइक्वालिटीज के फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इनइक्वालिटीज के, क्यों अपनी जिद पे अड़ा है? आज मैं तुझे तोल के ही रहूंगा कि तू छोटा है या बड़ा है। इनइक्वालिटीज में यार कुछ आपको बारीकियां बता दूं कि हम जो इनइक्वालिटीज सीखते हैं ना, हम जो इनइक्वालिटीज सीखेंगे उनमें एक तो सारे बेसिक्स सीखेंगे इनइक्वालिटीज के, ठीक है ना। सारे बेसिक्स हम सीखने वाले हैं, ऑल बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना, ये चीज सीखने वाले हैं। उसके बाद हम स्पेशली लीनियर इनइक्वालिटीज सीखने वाले हैं ना, लीनियर इनइक्वालिटीज सीखेंगे, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटीज के साथ साथ वो इनइक्वालिटीज सीखेंगे जिनमें लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लीनियर फैक्टर्स। और यार, अगर लीनियर फैक्टर ना हो ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो या फिर क्वाड्रेटिक से भी हायर डिग्री के फैक्टर हो, क्यूबिक फैक्टर्स हो, है ना, पॉलीनोमियल फैक्टर्स हो, ठीक है। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम डिटेल में सीखने वाले हैं इनइक्वालिटीज चैप्टर में। वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं, इनइक्वालिटीज कई प्रकार की होती हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने तुमको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में भी बताया था। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक अलग किस्म की इनइक्वालिटी है। और लॉगरिथमिक चैप्टर में हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ट्रिगोनोमेट्री जिन इनइक्वालिटीज में इन्वॉल्व हो जाए, ऐसी इनइक्वालिटीज को ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। और यार, एक चैप्टर होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनमें सीखे जाते हैं। तो ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, उसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो यार, इनइक्वालिटीज जो है ना, इनइक्वालिटीज कई प्रकार की होती हैं। ये सारी हमारे सिलेबस में है,
ये सारी हमारे सिलेबस में है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी, लोगारिथमिक इनइक्वालिटी भी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी मैं सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी सिखाऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज 12th क्लास के सिलेबस में है, ये 12th क्लास में सिखाई जाएंगी। लोगारिथमिक इनइक्वालिटीज लोगारिथम चैप्टर में सिखाई जाती हैं, और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बता ही दी है, करेक्ट है। और एक बात बता दूं, ये जितनी भी इनइक्वालिटीज है ना यहां पे जो मैंने लिखी हैं, ये सारी जिन फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, ये सारी जिन फंडामेंटल्स पे बेस्ड है जिन बेसिक फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, वो सारे फंडामेंटल्स मैं आपको सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज। और बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज सीखने के साथ साथ हमको लीनियर इनइक्वालिटीज पे कमांड लानी है, लीनियर इनइक्वालिटीज पे कमांड लानी है, और उसके साथ साथ उन इनइक्वालिटीज में भी कमांड लानी है जिनमें लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या यार किसी प्रकार के पॉलिनोमियल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज अच्छे से सीख लिए, और वो इनइक्वालिटीज आपने सीख ली जो या तो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, या फिर ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें लीनियर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, या क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर आपने ये सारे फंडामेंटल सीख लिए उनके साथ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना अगर आपने सीख लिया, फिर चाहे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हो, किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी हो, तुम यार फोड़ दोगे। फिर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पूरी कहानी जो है ना, पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स आप अपने को इस चैप्टर में कवर करने हैं, इनइक्वालिटीज चैप्टर में हमको ये सारे जो है ना फंडामेंटल्स कवर करने हैं, उसके बाद फिर रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में ये इनइक्वालिटीज डिस्कस की जाती हैं। इनइक्वालिटीज का समंदर बहुत गहरा है मेरे दोस्तों, इनइक्वालिटीज एक बहुत लेंदी टॉपिक है, पूरी इतनी मोटी मोटी बुक्स आते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर। इनइक्वालिटीज अगर आप डीप में सीखने बैठो, बहुत एक्सप्लोर करो, तो कई महीने कई सालों भी सीख सकते हो। ओलंपियाड्स का नाम तो तुमने सुना ही होगा, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के जो पेपर होते हैं उनको इनइक्वालिटीज बहुत पसंद है। तो ओलंपियाड्स में कुछ इनइक्वालिटीज हैं जिनके दर्शन मैं तुमको थोड़े से करवा देता हूँ। ओलंपियाड्स में जो इनइक्वालिटी पूछी जाती है, कुछ फेमस इनइक्वालिटीज, देखिए जो इनइक्वालिटी मैं आपको सिखाऊंगा वो तो सारी ओलंपियाड्स में है ही, उसके अलावा एक बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है आरएमएस एएमजीएम इनइक्वालिटी, है ना, आरएमएस एएमजीएम इनइक्वालिटी। एक कोशी स्कोर्स इनइक्वालिटी बहुत शानदार इनइक्वालिटी है, चैबीशेव इनइक्वालिटी बहुत ही बेहतरीन इनइक्वालिटी है। कौन सी इनइक्वालिटी है? चैबीशेव इनइक्वालिटी। होल्डर्स मिनकोस्की इनइक्वालिटी, होल्डर्स मिनकोस्की इनइक्वालिटी। ये सारी इनइक्वालिटीज जो है ये भी हैं ओलंपियाड के सिलेबस में, ये ओलंपियाड्स के सिलेबस में है। कौन से ओलंपियाड के सिलेबस में? जितने भी ओलंपियाड्स आपके होते हैं, चाहे वो आरएमओ हो, आईएनएमओ हो, या इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। यार इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड बड़ी मजेदार चीज होती है, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड तो मतलब वहां तक कोई पहुंच जाए तो मैथ्स का जादूगर ही होगा वो, तो है ना, बन सकते हो तुम भी जादूगर, ठीक है। तो यार इनइक्वालिटीज में आरएमओ, आईएनएमओ और आईएमओ के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ये बड़ी बेहतरीन इनइक्वालिटीज हैं। अब चूंकि ये जो हम सिलेबस है हमारा, ये जो सीरीज है, पेस सीरीज है, ये ओलंपियाड्स के लिए नहीं है, ये जेई के लिए है, स्कूल के लिए है, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड के लिए है। तो यार मेरे हाथ यहाँ पे बंधे हुए हैं, मैं इन इनइक्वालिटीज की चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा। और भी कई टाइप की इनइक्वालिटीज हैं जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के सिलेबस में है, उन इनइक्वालिटीज की चर्चा तो यार मैं नहीं कर पाऊंगा इस लेक्चर सीरीज में, इन इनइक्वालिटीज की चर्चा नहीं होगी। सिलेबस खत्म होने के बाद फन के लिए हम इन सब इनइक्वालिटीज की चर्चा कभी मूड होगा तो कर लेंगे, ठीक है, तुम करना चाहोगे तो, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या आप लोग ये सब इनइक्वालिटीज सीखना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो यार ये मैंने एक इस चैप्टर का ओवरव्यू तुमको दे दिया कि बहुत ही बेहतरीन इनइक्वालिटी ओलंपियाड के सिलेबस में है, ठीक है। और
ये बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी सारे हम हमारे इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, और जो भी जेई के सिलेबस में जितनी भी इनइक्वालिटी है सारी कवर करेंगे, और मेनली हमको ये दो इनइक्वालिटीज की लेक्चर सीरीज में सीखनी है, इस सारे टाइप को कवर करना है। बाकी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैंने बता दी, ये भी जेई के सिलेबस में है, ओलंपियाड के सिलेबस में भी है ना, जेई के सिलेबस में ये सब कुछ है ना, ये जेई सिलेबस है। इनइक्वालिटीज में अगर बात करें तो ये है जेई सिलेबस, ठीक है ना। थोड़ी बहुत कुछ मिसलेनियस इनइक्वालिटी भी आ जाती है कई बार, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, मिसलेनियस इनइक्वालिटीज़ है ना, कोई मिसलेनियस इनइक्वालिटीज़ आ जाए, जैसे कि है ना मोडुलस जिनमें इन्वॉल्व हो, मोडुलस वाली इनइक्वालिटीज़ आ जाए, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो वो सब मिसलेनियस इनइक्वालिटीज़ में डाल दिया मैंने, ठीक है जी। हाँ, बाकी अगर मोटा मोटा कैटेगराइज किया जाए तो ये सारी इनइक्वालिटी जेई के सिलेबस में है, और मैं आपको बता चुका हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ तो मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिखाने वाला हूँ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ लॉगरिथमिक लेक्चर सीरीज में होगी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सिखा चुका हूँ, और इस चैप्टर में हम डिटेल में ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, रिलैक्स हो जाइए एक बार, ठीक है ना, शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बात कुछ ऐसी है कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स के पास एक बेहद ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, कि रियल नंबर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे मैं कहूं आपको कि 3+2 iota और 1+2 iota में कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऐसी चर्चा करना बहुत ही शर्मनाक होगा, बहुत ही गलत होगा। जब नंबर ही इमेजिनरी हैं तो उनका छोटा या बड़ा होना कैसे बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों इमेजिनरी नंबर्स में ये जो कंपेयर होने की एबिलिटी है ये नहीं होती, मगर रियल नंबर्स में ये होता है, कंपेयरेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो रियल नंबर्स में होता है। बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में होती है कि रियल नंबर्स हैव द प्रॉपर्टी दैट इज कंपेयरेबिलिटी, कंपेयर कर सकते हैं अपन उनको। जैसे कि 5 हम बता सकते हैं 3 से बड़ा है, हम बोल सकते हैं 2 छोटा है 4 से, हम बोल सकते हैं 17 इक्वल है 17 के। ये जो मैंने कंपेयर किया है ना, एक नंबर ग्रेटर देन है दूसरे नंबर से, एक नंबर स्मॉलर देन है दूसरे नंबर से, एक नंबर इक्वल टू है दूसरे नंबर के, ये जो कंपैरिजन मैंने किया है दोस्तों ये रियल नंबर्स में किया जा सकता है। और ये रियल नंबर से बनने वाली, रियल वेरिएबल से बनने वाली एक्सप्रेशंस में भी ये कंपैरिजन किया जा सकता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं x²+1 > x²। मैं बोल सकता हूं कि x²-4 > x²। मैं बोल सकता हूं कि x² जो है वो x² के बराबर होगा। यहां पे रियल नंबर्स हैं, यहां पे एक्सप्रेशंस हैं जिनका वेरिएबल एक रियल वेरिएबल है। तो जिन एक्सप्रेशंस में रियल वेरिएबल इन्वॉल्व हो ऐसी एक्सप्रेशंस के अंदर भी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उनको कंपेयर कर सकते हैं। और रियल नंबर्स में भी ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस समझते हैं कैसे किया जाता है, महसूस कर सकते हैं कि रियल नंबर्स में भी कंपेरेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मगर इमेजिनरी नंबर्स में कंपेरेबिलिटी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बताना ये इससे बड़ा है गलत होगा। अच्छा, कुछ लोग तो बड़े महान होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो इसको इससे बड़ा बता देते हैं। कैसे बोलते हैं जी 2 iota से 2 iota कैंसिल हो गया और 3 1 से बड़ा होता है, इसलिए यह भी इससे बड़ा था। बहुत महान लोग होते हैं, लेकिन गलत है, उतनी महानता नहीं चाहिए भैया, ठीक है ना, कालीन भैया थोड़ी हो, कुछ भी काट दोगे है। 2 iota को 2 iota से कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं 3 1 से बड़ा था तो ये वाला नंबर इससे बड़ा ही था। अरे नहीं था भाई बड़ा, है ना, यू कैन नॉट कंपेयर टू नॉनसेंस क्वांटिटीज। अरे मालूम ही नहीं दुनिया में उनका है इमेजिनरी दुनिया की क्वांटिटीज, कैसे कंपेयर कर सकते हो, नहीं कंपेयर कर सकते। तो इमेजिनरी नंबर्स में कंपेयर होने की प्रॉपर्टी नहीं होती दोस्तों, रियल नंबर्स में कंपेयर होने की प्रॉपर्टी होती है। इसी वजह से रियल नंबर्स की दुनिया में जन्म होता है इनइक्वालिटीज का,
रियल नंबर्स की दुनिया में जन्म होता है इनइक्वालिटीज का, और ये जो कंपेयर होने की प्रोबेबिलिटी, ये जो कंपेयर होने की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही ये चैप्टर इनइक्वालिटी बना हुआ है, ठीक है। और देखिए, दो रियल नंबर्स या फिर दो एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो तीन प्रकार की बातें ही संभव है, सिर्फ तीन प्रकार की बातें संभव है। या तो ये जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये राइट हैंड साइड वाले से बड़ा होगा, या लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड वाले नंबर से छोटा होगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले नंबर आपस में इक्वल होंगे। तीन प्रकार की बिहेवियर ही शो, कंपेरेबिलिटी जो है वो जब हम करते हैं दो नंबर में, तो तीन प्रकार का बिहेवियर ही शो किया जा सकता है, तीन प्रकार का बिहेवियर ही संभव है, और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। अगर मैं दो नंबर ले लूं, रियल नंबर x और y ले लूं, तो या तो x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x लेस देन y होगा, या फिर x और y इक्वल होंगे, इनके अलावा कोई और संभावना नहीं है। जब हम दो नंबर्स को, दो रियल नंबर्स को, बार बार मैं रियल बोलूंगा आपको जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए, ठीक है ना। जब जब हम दो रियल नंबर्स को, दो रियल वेरिएबल्स को जब हम कंपेयर करते हैं, तो तीन संभावनाएं होती हैं बस। या तो x और y की बात करें, x y से बड़ा होगा, या x y से छोटा होगा, या फिर x y के बराबर होगा, इसके अलावा कोई और संभावना नहीं होती। तीन संभावना है, इस वजह से बोलते हैं जो कंपेरेबिलिटी है वो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी को फॉलो करती है, तीन संभावनाओं वाले लॉ को फॉलो करती है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। बात समझ में आ रही है? और यार यहां आपने देखो ये भी सीख लिया कि इनइक्वालिटीज को डिनोट करने के सिंबल क्या है। एक ये वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं? x इज ग्रेटर देन y। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं कोई भी चीज, x इज ग्रेटर देन y, आपको मालूम हो या ना मालूम हो मैं सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना, ताकि कोई चीज छूट ना जाए। x इज ग्रेटर देन y, इसको बोलते हैं x इज लेस देन y, और इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, ठीक है। यहां पे जो कंपेयर किया मैंने, तो यहां पे इक्वालिटी होल्ड कर गई। इसको बोलते हैं x और y इक्वल है, ये इक्वालिटी है। क्या है? ये है इक्वालिटी, और यहां पे ये दोनों क्या है? ये है इनइक्वालिटीज, यह है इनइक्वालिटीज। बात समझ में, ये दोनों क्या है? इनइक्वालिटीज हैं। यहां पे ये इक्वालिटी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी समझ में आ गया आपको, ठीक है जी। अब देखिए, इनइक्वालिटीज की दुनिया में, इनइक्वालिटीज की दुनिया में जब हम न्यूमेरिकल्स को, है ना, न्यूमेरिकल्स को जब कंपेयर करते हैं, जैसे कि ये मैंने कंपेयर कर लिया, ये जो न्यूमेरिकल्स को जब कंपेयर करते हैं तो इनको बोला जाता है, ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बोला जाता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, करेक्ट है जी। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, कई बार ऐसी बातें भी कर ली जाती हैं कि यार 5 इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। यहां पे डबल इनइक्वालिटी का डिस्कशन हो रहा है। यहां पे देखिए, एक इनइक्वालिटी यहां लिख दी और एक इनइक्वालिटी यहां लिख दी, दोनों को साइमल्टेनियसली लिख दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज लेस देन 7। तो इस प्रकार की जो इनइक्वालिटीज हैं, इनको क्या बोलते हैं? डबल इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज। इनको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब जैसे x के बारे में कई बार ऐसे नहीं बोलते, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, क्या है ये? डबल इनइक्वालिटीज हैं ये क्या है? डबल इनइक्वालिटीज हैं, जिनमें दो इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती हो, करेक्ट है जी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको नहीं मालूम कि एक्स स्क्वायर के बारे में कहा जाता है कि यार जो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू आप पुट करो, है ना, एक्स की अलग अलग वैल्यू पुट करो, या तो ये जीरो के इक्वल आएगा या फिर ग्रेटर देन जीरो होगा। जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तब तो ये जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नहीं तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो बोलते हैं यार एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, है ना। उसी प्रकार से अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में आपको बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ही ना ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy होता है। x square plus y square हमेशा ही greater than equal to 2xy होता है, ठीक है।
तो यहां पे देखिए ग्रेटर देन के साथ साथ ये जो इक्वल टू का जो निशान लगा हुआ है ना, ग्रेटर देन के साथ साथ जो इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, ये नोटिस करना है अपने को। या कोई दो नंबर x और y इस प्रकार से हो कि y x से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, दो नंबर कुछ इस प्रकार के नेचर वाले हो, तो ये एक और इनइक्वालिटी मैंने लिख दी, ठीक है। तो यार इस तरीके की जो इनइक्वालिटीज जो है ना, इनको अगर आप देखोगे इनइक्वालिटी के साथ साथ ये इक्वालिटी भी आ रही है ना, इनइक्वालिटी के साथ साथ ये इक्वालिटी भी आ रही है, इनइक्वालिटी के साथ साथ ये इक्वालिटी भी आ रही है। तो जब इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वालिटी भी लिखी हो तो उनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? स्लैक, इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज। और जो इक्वालिटी ना आती हो जिन इनइक्वालिटीज में, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये 100% 0 से बड़ा मिलेगा, तो यार ऐसी इनइक्वालिटीज को बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ये क्या है? ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है ना, स्ट्रिक्ट है एकदम, इक्वालिटी नहीं है इनके अंदर, है ना, ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। जैसे जैसे मैंने x लेस देन y बोल दिया, ठीक है जी, तो जहां पे ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल का निशान नहीं आता हो उनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, और जहां ग्रेटर देन और लेस देन के निशान के साथ इक्वल का निशान भी आता हो उनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये थ्योरी में कुछ कुछ आपकी नॉलेज के लिए कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यार आई होप आपको एक बेसिक आइडिया जो है ना, बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा, ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा कि इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इनइक्वालिटीज क्यों होती हैं है ना, और इनइक्वालिटीज कैसे होती हैं। तो यार जादूगर बनने का समय आ चुका है इनइक्वालिटीज में, ठीक है। अब देखिए इनइक्वालिटीज हमें सोल्व कैसे की जाती है, इनइक्वालिटीज चैप्टर में ना सबसे जो मेन चीज है ना वो है सोल्विंग द इनइक्वालिटी, ठीक है ना, जो मेन चीज है वो है सोल्विंग द इनइक्वालिटी। आपको बता दूं इनइक्वालिटीज क्या होती हैं समझ लिया, है ना, कैसी होती हैं समझ लिया, क्यों होती हैं समझ लिया, बट जब एक सिचुएशन में इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए बोला जाएगा कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, और पूछूं xy में ऐसी क्या कंडीशन होगी कि ये इनइक्वालिटी ट्रू होल्ड करे, तो ऐसी बातें बताना उनको बोलते हैं सोल्विंग द इनइक्वालिटी। तो इस चैप्टर में जो मेन कहानी है ना, इनइक्वालिटीज में जो मेन कहानी होती है वो होती है इनइक्वालिटीज को सोल्व करना आना चाहिए। जिसको इनइक्वालिटीज सोल्व करनी आ गई ना, जिसको इनइक्वालिटीज सोल्व करनी आ गई वो यार बन जाएगा इनइक्वालिटीज का चैंपियन, महारथी बन जाएगा वो इनइक्वालिटीज का, ठीक है। मगर सोल्व करनी तो तब आएंगी ना जब इनइक्वालिटीज के सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, है ना, पहले तो अपन बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी हमने देखी है ना, इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बिहेवियर देखा इनइक्वालिटीज का, ठीक है। तो कुछ चीजें हमने सीखी हैं। तो अभी आगे मूव करते हैं यार, ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं और जानते हैं और डिटेल में इनइक्वालिटीज को, ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं इनइक्वालिटीज की। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में यार बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई बोल दे कि x इज ग्रेटर देन 0 है एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 0 है एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, या फिर कोई ऐसा बोल दे कि x इज लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। आपने देखिए दो बातें बोली हैं, पहली बात तो बोली है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, और दूसरी बात बोली है कि ये भी हो सकता है एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो इन दो स्टेटमेंट्स को अगर हम कंबाइंडली हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, कंबाइंडली वी कैन राइट x into y greater than 0, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कंबाइन करके इन दो स्टेटमेंट्स को हम लिख सकते हैं x into y greater than 0। आप सोचोगे कैसे लिख दिया यार, बड़ा सिंपल तो है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों।
इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ रहा है और इनका भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने कहा दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो वो तभी संभव है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन दो अलग अलग यहां पे जगहों पे लिखी हुई, इनको कंबाइन करना है तो आप यू कंबाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। x into y greater than 0 का मीनिंग है x greater than 0, y greater than 0, या फिर x less than 0, y less than 0। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे लिख दे x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, या फिर कोई बोले कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव बोले या x नेगेटिव y पॉजिटिव बोले, इन दो बातों को कंबाइंडली लिखना है, इन दो बातों को कंबाइंडली लिखना है तो आप लिख सकते हो x into y is less than 0। क्या लिख सकते हो? x into y is less than 0। x into y less than का मतलब है दो नंबर्स का प्रोडक्ट less than 0, वो तब होता है जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव हो या x नेगेटिव y पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यार x into y नेगेटिव का मीनिंग ये दो स्टेटमेंट होती है और इन दोनों को कंबाइंडली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही ना आपको? अब देखिए थोड़ा आगे, अब मुझे एक बात बताएं ना यहां से। देखिए अब मैंने आपको कहा कि a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, है ना। a जो है ना b से बड़ा है और c d से बड़ा है, तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, आप बताना कौन कौन सी बात सही है। मैं इनको जोड़ रहा हूं a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस d लिख रहा हूं, इनको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने इनको माइनस कर दिया, क्या कर दिया? माइनस कर दिया, a माइनस c ग्रेटर देन b माइनस d लिख दिया। फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, a into c ग्रेटर देन b into d लिख दिया, और लास्ट में मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं a by c ग्रेटर देन b by d। कहने का मतलब ये हुआ मेरे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, मैं इन दोनों को जोड़ के लिख सकता हूं क्या, दोनों को माइनस करके लिख सकता हूं क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं क्या, दोनों को डिवाइड करके लिख सकता हूं क्या, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये बताना है आपको, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है बताना है चारों में से। आप आगे देखने से पहले कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, कमेंट करने के बाद आगे का सलूशन देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको, जरूर कमेंट करके बताएं। तो यार ये वाला जो है ना ये ट्रू है ना, इसको ट्रू बोलने में कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको ट्रू बोला जा सकता है। कैसे? क्योंकि देखो भाई ए बी से बड़ा और सी डी से बड़ा तो जोड़ोगे तो यार ए प्लस सी तो बी प्लस डी से बड़ा हो ही जाएगा, ठीक है। माइनस करना ठीक है क्या? माइनस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे? यहां मैंने लिखा 4 ग्रेटर देन 3 है, 4 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, और एक बार लिख दिया मैंने 4 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अब माइनस करो यार, जब इनको माइनस करते हैं तो 4 माइनस 4 ग्रेटर देन 3 माइनस 2 मतलब 0 ग्रेटर देन 1, क्या अब भी सही है? क्या गलत हो गया ना? 0 एक से बड़ी थोड़ी होती है। ये दो इनइक्वालिटीज ट्रू थी, दोनों को माइनस करने के बाद की क्वांटिटी ट्रू नहीं आ रही, तो इसका मतलब दो इनइक्वालिटीज को जब हम माइनस करते हैं इन जनरल वो बात हमेशा सही नहीं होती। तो यार ये हरकत नहीं करनी, यहां पे तो बड़े बड़े लोग चकमा खा जाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर चकमा खा जाते हैं, उनको ऐसा लगता है जोड़ सकते हैं तो घटा भी देते हैं, और घटाने में क्या जाता है? अरे घटाने में तो फटका लग जाता है भैया, ऐसे कैसे घटा देते हो? दो इनइक्वालिटीज जो, अरे मस्त है एकदम, है ना, सेम नेचर की दो इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं यहां बात कर रहा हूं मैं इनइक्वालिटीज ऑफ सेम नेचर। यहां जो बात की जा रही है, ये जो दो इनइक्वालिटीज ली है मैंने, ये ली है मैंने इनइक्वालिटीज ऑफ सेम नेचर, इनका नेचर जो है ना सेम है ना, ग्रेटर देन है, सेम नेचर की इनइक्वालिटीज को अगर आप जोड़ दोगे कोई टेंशन नहीं है, मगर माइनस कर दोगे तो भैया धोखा खा सकते हो, माइनस नहीं करना, ये गलत है बात,
ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करना ठीक है कि गलत है, अब खुद ही बता दोगे आप। देखिए मैं कह रहा हूं कि 3 2 से बड़ा है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो -1 है ना, -1 जो है वो 0, एक और लेते हैं, यहां ले लेते हैं। अच्छा इसको और सिंपल तरीके समझते हैं, यूं समझते हैं इसको। देखिए मैं कह रहा हूं कि -2 > -3 है, -2 > -3 है, और -3 > -4 है। ठीक है, ये बात तो सहमत हो ना आप इस बात से? तो -2 तो होता ही है -3 से बड़ा, और -3 जो है वो -4 से बड़ा होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है, दो ट्रू इनइक्वालिटीज है, इनको मल्टीप्लाई करो। जरा मल्टीप्लाई करोगे तो -2 * -3 कितना होगा 6 > -3 - 4 कितना होगा 12। अरे ये क्या हो गया भाई, पाप करवा रहे हो आप तो। 6 > 12 नहीं होता है, 6 > 12 नहीं होता है। दो ट्रू इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करके फॉल्स चीज आ जाती है, तो मल्टीप्लाई करने का नहीं, इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल नहीं इन जनरल। ठीक है, तो यार ये बात एकदम फॉल्स लिखी हुई है। और यार देखो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो डिवाइड करके देखोगे ना, डिवाइड करने में यहां पे तो चकमा, यहां पे तो चकमा जो है, आप यहां पे चकमा खा जाओगे। आप इनको देखो डिवाइड करके देखोगे तो क्या आएगा, 2 by 3 > 3 by 4 आएगा, और ऐसा तो होता ही नहीं। 2 by 3 छोटा होता है 3 by 4 से, क्या होता है, छोटा होता है। तो डिवाइड भी नहीं करने का, डिवाइड भी नहीं करने का। ठीक है, तो यार देखिए दो सेम नेचर की इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, ठीक है, और इन दो सेम नेचर की इनइक्वालिटीज को जोड़ सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है। माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया तो भाई खैर नहीं। ठीक है ना, ये हरकत मत कर देना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर फोर का ये कहना है कि ए बी से बड़ी होती है ना, और सी डी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो मगर ये दोनों पॉजिटिव भी हो, है ना, सी डी से बड़ा हो और दोनों पॉजिटिव भी हो, ये अगर केस आ जाए, है ना, ए बी से बड़ा हो और दोनों पॉजिटिव भी हो, और सी डी से बड़ा हो और दोनों पॉजिटिव भी हो, अब बताइए क्या दोनों को जोड़ना ठीक रहेगा, माइनस करना ठीक रहेगा, मल्टीप्लाई करना ठीक रहेगा, डिवाइड करना ठीक रहेगा क्या? बताइए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यार देखिए ये बात तो सिंपल है, ये तो ट्रू रहेगी, ठीक है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। और यार ये फॉल्स, ये मैं आपको बता चुका हूं कि माइनस करने में बहुत लोचा है ना, माइनस करने में बहुत लोचा है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लोगे ना, जैसे है ना, मैंने 2 > 1 ले लिया और 4 > ले लिया आपने, 0 ले लिया, ठीक है ना। तो जब यार आप देखो, 0 तो नहीं ले सकता मैं क्योंकि 1 ले लेता हूँ, ठीक है, है ना, 4 > 1 ले लिया। अब देखिए दोनों को माइनस करोगे तो -2 > 0 आ गया, आगे ना गड़बड़ बात। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर्स होना तो यार माइनस तो नहीं कर सकते आप, है ना, माइनस करके इन जनरल वो बात नहीं बोल सकते कि हमेशा सच आएगी क्या, ठीक है ना। तो यार ये गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव नंबर इन्वॉल्व हो रखे हैं फिर मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी बिल्कुल सही आती है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन जो है ना यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी सच रहती है, मगर क्या डिवाइड करके भी सच रहेगी क्या, आइए जान लेते हैं। जब आप डिवाइड करते हो ना यार इनको, तो 2 by 4 तो 1 by 2 हो गया, और 1 by 1 हो गया, 1 by 2 1 से बड़ा होता है क्या, अरे भाई पाप करवाओगे क्या, 1 by 2 थोड़ी 1 से बड़ा होता है। तो यार अगर ये पॉजिटिव है ना, मल्टीप्लाई के बाद तो बात सही रहती है, लेकिन डिवाइड करना अलाउड नहीं है, डिवाइड करने पे बात गड़बड़ा जाती है, डिवाइड करना अलाउड नहीं है। तो यार ये बात समझनी है कि एक मल्टीप्लीकेशन वाली बात जो है ना, ये यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना अलाउड हो जाता है, अगर ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो, ये नंबर्स क्या हो,
पॉजिटिव हो तो, ठीक है। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मालूम ही नहीं तो फिर तो मल्टीप्लाई करना भी फॉल्स है, ठीक है जी। भाई देखिए, मैं तुम्हारे बेसिक्स जो है ना तराश रहा हूं, हीरे की चमक कैसे बढ़ानी है हम जानते हैं, ठीक है ना। तुम्हें अगर अपनी चमक बढ़ानी है ना, बेसिक सीखिए इनइक्वालिटीज के, ठीक है ना। कहीं किसी बुक में मिलने वाले नहीं है, सबको मैंने संजोया है एक जगह पे। इनइक्वालिटीज के बेसिक्स अच्छे होते हैं तो कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाता है ना। और यार ये जो लेक्चर्स है ना, इनको बार बार देखें जब तक तुम्हारे बेसिक्स मजबूत ना हो जाए। खैर चलिए बात करते हैं आगे, बात करते हैं आगे नंबर फाइव की, बात करते हैं नंबर फाइव की। मुझे एक बात बताओ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, देन ए अगर बी से बड़ा हो, ए अगर बी से बड़ा हो, है ना, ए क्या है, बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है भाई, ए बी से बड़ा है भाई, ठीक है। मुझे बताओ क्या दोनों तरफ कोई नंबर के मैं ऐड कर दूं तो इस इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा क्या, इसका ये ट्रू रहेगी क्या, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दें इनइक्वालिटी में तो करा जा सकता है, इनइक्वालिटी सच रहेगी, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। एक नंबर के को आप दोनों तरफ इनइक्वालिटी के ऐड कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होती। अब देख लीजिए 4 ग्रेटर देन 1 है, आप दोनों तरफ 5 ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ एक बार 5 ऐड कर दो, एक बार 5 माइनस कर दो, 5 ऐड करोगे तो ये हो गया, 5 माइनस करोगे तो ये हो गया। अभी भी बात बिल्कुल सच है, अभी भी बात बिल्कुल सच है। तो एक नंबर को दोनों तरफ ऐड करने से, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करने से और माइनस करने से इनइक्वालिटी के नेचर पे कोई फर्क नहीं आता। नेचर बोले तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी थी राइट हैंड साइड से, यहां पे अभी यहां पे भी बड़ी है और यहां पे भी बड़ी है। तो एक कांस्टेंट या फिर कोई दूसरा वेरिएबल भी आप कर सकते हो, ऐड और सबट्रैक्ट कोई टेंशन नहीं होती। तो के को अगर आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो the nature of inequality will remain same and the inequality will remain true, no problem in that, okay? अब क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या k के साथ, किसी नंबर के साथ k के साथ दोनों तरफ इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या मैं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a k is greater than b k? ये बोल सकता हूं मैं? क्या मैं बोल सकता हूं a k is greater than b k? क्या मैं k नंबर से डिवाइड कर सकता हूं क्या दोनों तरफ? क्या मैं बोल सकता हूं कि a by k is greater than b by k? अगर a b से बड़ा होगा तो हर k के लिए क्या a के b के से बड़ा होगा क्या? अगर a b से बड़ा है तो क्या हर k के लिए a by k greater than b by k होगा क्या? भाई पहली बात तो लिख देता हूं मैं कि जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड करने पे क्या आता है? सन्नाटा, सन्नाटा, कुछ नहीं आता, ठीक है ना। जीरो से मैथ्स में डिवाइड कर दो तो सन्नाटा छा जाएगा मैथ्स में, कुछ भी नहीं आएगा। तो इनके बारे में बताइए यार, अभी बता देते हैं, एग्जांपल के थ्रू सोचना बड़ा अच्छा रहता है। देखिए 4 ग्रेटर देन 2 है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ -2 से और एक बार डिवाइड कर दिया -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड -4 हो गई। तो -8 ग्रेटर देन -4 है क्या? नहीं, छोटा है, गलत हो गई बात। -2 से डिवाइड करो आप तो -2 ग्रेटर देन -1 होता है क्या? नहीं, गड़बड़ हो गई बात। तो यहां के एक अननोन नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया जाता, बात फॉल्स हो जाती है, बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। तो कोई भी नंबर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर दो या माइनस कर दो, द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। मगर कोई भी नंबर अननोन हो ना, अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन, अननोन इन टर्म्स ऑफ साइन, अननोन नंबर हो साइन के टर्म्स में, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो अगर साइन के टर्म्स में अननोन ना रहे, नोन बन जाए, फिर कर सकते हैं क्या? फिर कर सकते हैं क्या? बता देता हूं। देखिए देखिए बात कुछ यूं है समझने वाली कि अगर ए बी से बड़ा है ना, अगर ए बी से बड़ा है, देन ए बी से बड़ा है,
ए बी से बड़ा है, तो सीन क्या होता है कि एक पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो ना, पॉजिटिव नंबर के से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो, वो मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का नेचर सेम रहेगा। के पॉजिटिव है तो, के क्या है पॉजिटिव अगर है तो, और अगर एक नेगेटिव नंबर से आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो, एक नेगेटिव नंबर से अगर आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो, एक नेगेटिव नंबर से अगर आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी में जो इनइक्वालिटी का जो नेचर है वो बदल जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ये ग्रेटर देन है तो लेस देन आ जाता है, यहां लेस देन होता तो ग्रेटर देन आ जाता। अगर आप नेगेटिव के नेगेटिव है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। देखिए एग्जांपल के थ्रू बात समझ सकते हैं अपन। यहां पे देखिए 3 ग्रेटर देन 2 लिखा है, दो केसेस ले रहा हूं, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से और यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 से। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 और 4 आ जाते हैं, लेफ्ट में 6 राइट में 4, और जब -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो -6 और -4 आते हैं। तो मुझे बताओ 6 और 4 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, -6 और -4 में -4 बड़ा है। तो यहां पे देखो आप, जब आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी देख लिए सेम रहा है, और एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेक कर सकते हो बदल गया है, रिवर्स हो गया है। बात समझ आ रही है? और मल्टीप्लाई एक प्रकार का डिवीजन ही है, ठीक है? तो जो बात मल्टीप्लाई में वैलिड यहां पे हो गई है तो डिवीजन में भी यूं लिख सकते हो आप कि ठीक है ना, अगर के पॉजिटिव है ना तो अगर के से डिवाइड भी कर दोगे तो ए बाय के भी बी बाय के से ए बाय के भी बी बाय के से बड़ा रहेगा, ठीक है ना, वेयर के इज पॉजिटिव, वेयर के इज पॉजिटिव, ठीक है। और एक नेगेटिव नंबर से, एक नेगेटिव नंबर से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है, वेयर के इज नेगेटिव, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर टू द इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। ये बात यहां लिख दूं क्या मैं कहीं पे, अच्छा लगेगा तुमको? इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर टू द इनइक्वालिटी देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, ठीक है, विल रिमेन सेम, ठीक है जी। एंड इफ यू मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर टू द इनइक्वालिटी, if you multiply by a negative number, multiply or divide by a negative number to the inequality, then sign of inequality will get changed. Then the sign of inequality will get चेंज, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। मोडलस का आपको मालूम होगा, ठीक है। तो अगर कोई लिख दे मोड एक्स इज लेस देन ए, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, वेयर ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर कोई बोले मोड ए, मोड एक्स इज लेस देन ए, क्या बोले, मोड एक्स इज लेस देन ए, तो ऐसा तभी संभव होगा जब एक्स की वैल्यू आप माइनस ए से ए लें,
ऐसा तभी संभव होगा जब x की वैल्यू क्या ले आप माइनस a से a ले। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर मैं बोलूं मोड ऑफ x इज लेस देन 4, तो ये उन्हीं x के लिए संभव है जब x की वैल्यू माइनस 4 से 4 के बीच में ले। x की वैल्यू क्या ले, माइनस 4 से 4 के बीच में, ठीक है। और यार अगर कोई ऐसा लिख देना इफ मोड x इज ग्रेटर देन a, तो आप बोल सकते हो देन x या तो a से बड़ा होना चाहिए या फिर x माइनस a से छोटा होना चाहिए। उस केस में x या तो a से बड़ा होना चाहिए या फिर x माइनस a से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूं मोड x इज ग्रेटर देन 4, तो या तो x जो है 4 से बड़ा होना चाहिए या फिर x माइनस 4 से छोटा होना चाहिए, या फिर x क्या होना चाहिए, माइनस 4 से छोटा होना चाहिए, तभी इस इनइक्वालिटी को सही रख पाएगा ये वाला x, ठीक है। तो यार ये छोटी दो बातें आप हमेशा ध्यान रखना, ये दो बातें जो है ना, ये दो बातें हमेशा ही आप अपने माइंड में रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग में एकदम तुरंत इनका इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो यार इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं थोड़ी बहुत, है ना, और उसके बाद फिर हम इनइक्वालिटीज़ की भन्नाट शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग में रियल फन है इनइक्वालिटीज़ का, बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे उनके थ्रू, इनइक्वालिटीज़ पे और कमांड लेके आएंगे, वेवी कर्व मेथड क्या होता है, लीनियर फैक्टर्स अगर हो इनइक्वालिटी में, वो सारी कहानी अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यार आज के लेक्चर में पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इनइक्वालिटी, मुझे बताइए कमेंट करके, और मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में भाई के साथ वापस, है ना। जा जरूर रहे हैं मगर वापस आएंगे, हंसते हंसते आएंगे इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इनइक्वालिटीज पढ़ते रहें, मैथ से मोहब्बत करते रहें। ये क्वेश्चन एक होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, मुझे याद है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। वापस से आपको बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक का जो लास्ट लेक्चर है लोकेशन ऑफ रूट्स वाला, तमीज से देखिए, है ना। थोड़े कम कमेंट आए होमवर्क के ऊपर, इसलिए मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक और पिछले लेक्चर के होमवर्क हैं, इकट्ठे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देगा भाई तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क को भी डिस्कस कर देंगे, वापस से इसको मैं होमवर्क को डिस्कशन, इस होमवर्क को मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ करने के लिए, कमेंट करके मुझे इसके आंसर बताएं, कर लिया है कि नहीं कर लिया, कम लोगों ने करा है अभी तक, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको वापस डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।